आई एम डॉक्टर आकाश एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नोड्यूल फॉर्मेशन जी हां जो लेगुमनस प्लांट होते हैं उसमें नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे हमें पता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं उसे अमोनियम फिर नाइट्राइट नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यही प्रोसेस क्या कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है हम उस प्रोसेस में ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम सिर्फ बात करेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन पे अब यहां पर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं या तो वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो सकते हैं या सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम ठीक है ये कैसे हैं यानी किसी प्लांट के साथ किसी प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट होकर मिलकर एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में तो इसको क्या कहेंगे सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ मिलके नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया नोस्टॉक और एनाबेना भी उसी में आते हैं लेकिन ये लिविंग भी रहते हैं और फ्रीली भी नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकते हैं राइजोबियम सिर्फ मिलके होस्ट के साथ मिलके लेग्युमिनस प्लांट के साथ ही कर सकता है नाइट्रोजन फिक्सिंग ये मिलके भी कर सकते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं और फ्री लिविंग फॉर्म में भी ये नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकते हैं नोस्टॉक और एनाबेना हम लोग बात करेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन की जो राइजोबियम के इन्फेक्शन के कारण होता है राइजोबियम जो एंटर कर देता है प्लांट के रूप में ठीक है राइजोमे राइजोबियम एक सिंबायोटिक बैक्टीरिया है एरोबिक है जब वो किसी होस्ट के साथ एसोसिएट नहीं होता है बाहर रह रहा होता है तो वो एरोबिक होता है यानी कि वो एयर से ऑक्सीजन ले रहा होता है और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट में जाता है तो ये एनरोबिक हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन का वर्क है उसमें एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है नाइट्रोजनेस एंड दिस नाइट्रोजन कैन वर्क ओनली इन एनरोबिक कंडीशन इसीलिए ये राइजोबियम अपने आप को एरो में कन्वर्ट कर लेता है जब वो नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट में जाता है यानी जब वो होस्ट के अंदर जाता है एम आई क्लियर और इसका होस्ट कौन है लेगुमिनस प्लांट ठीक है चलिए अब यहां पे बात करेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन की नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शन बिटवीन राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट राइजोबियम और रूट जो है प्लांट का उसके बीच में इंटरैक्शन होता है ठीक है पे हम सारे stages को पढ़ने वाले सबसे पहला स्टेज है राइजोबियम कॉन्टेक्ट अबल रूट हेयर ससेप्टिबल रूट हेयर मतलब ऐसे रूट हेयर जिसको वो अप्रोच कर सकता है राइजोबियम जो बैक्टीरिया है रूट हेयर के थ्रू प्लांट के अंदर जाता है मल्टीप्लाई एंड द द सराउंडिंग ऑफ़ रूट एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल दिस अट्रैक्शन इज केमोटैक्टिक। होता क्या है ये रूट हेयर जैसे कि ये रूट है ये रूट है और ये बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया इस रूट हेयर के आसपास क्या करेगा इसका नंबर बढ़ाएगा मल्टीप्लाई करेगा और ये बैक्टीरिया को पता कैसे चलता है कि ये रूट है मुझे इसी के अंदर जाना है इस रूट हेयर में क्या होता है केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उस केमिकल के की के तरफ ये अट्रैक्ट होता है और उसके अंदर एंटर कर जाता है अगर हम पिक्चर को देखना चाहें तो ये क्या है पिक्चर है और यहां आप देख पा रहे हो ये रूट हेयर ध्यान देना ये क्या है रूट हेयर और यहीं पे क्या है बैक्टीरिया कॉलोनाइज़ कर रहा है खुद को ये देखो बैक्टीरिया यहां पे कोलोनाइज कर रहे हैं ये बैक्टीरिया हो गए ठीक है ये बैक्टीरिया हो गए ये क्या कर रहे हैं कोलोनाइज कर रहे हैं अब ये क्या करेंगे ये इसमें इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्यों क्योंकि रूट हेयर पे जो केमिकल्स रहते हैं उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं रूट हेयर क्या है सेल है सेल के सेल पे कई सारे प्रोटीन होते हैं कई सारे केमिकल्स होते हैं तो उसकी तरफ ये बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं तो यहां पे ये प्रोसेस होता है, ओके okay? चलिए अब ध्यान दीजिए द एट्रैक्शन इज केमोटेक्टिक किसके बीच राइजोबियम और रूट हेयर के बीच टू एट्रैक्ट द राइजोबिया रूट ऑफ लेग्यूम रिलीज अमीनो एसिड देखिए रूट जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट का वो क्या करता है रिलीज करता है कुछ अमीनो एसिड तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते राइजोबियम और क्या शुगर ऑर्गेनिक एसिड और फ्लैबेनोइड जैसे ये रूट है ये सिक्रीट कर रहा है और बैक्टीरिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अट्रैक्ट हो, हो रहे हैं और अंदर चले जाएंगे ठीक है अब ध्यान दीजिए राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टेक्ट ससेप्टेबल रूट हेयर एंड डिवाइड नियर इट और उसके पास अट्रैक्ट होने के बाद वहां डिवाइड करने लगते हैं और इनफेक्ट करते हैं ध्यान दीजिए बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर और इसी को इन्फेक्शन कहते हैं सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ रूट हेयर कॉजेज इट टू कर्ल और रूट हेयर में जैसे जैसे ये एक रूट हेयर है जैसे इसमें बैक्टीरिया एंटर हो जाएंगे ये कर्ल्ड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कर्ल्ड हो जाएगा और समझेंगे क्यों कर्ल होगा ध्यान दो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर इज इंड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट एक पॉलीसेक्राइड के कारण रूट हेयर कर्ल हो जाता है और उस पॉलीसेक्राइड वो प्रेजेंट कहां होता है बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पे और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है राइजोबिया एम आई क्लियर चलिए यहां देखते हैं किस तरह से कर्लिंग हो रही है अब यहां पे देखो आप किस तरह से ये हुक लाइक फॉर्मेशन हुआ जैसे बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया अब ये कैसा हो रहा है हुक जैसा फॉर्मेशन कर्ल हो रहा है इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है अब बैक्टीरिया एंटर करेंगे ठीक है और कैसे इंटर करेंगे इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे ध्यान दीजिए सक्सेसफुल इंफेक्शन ऑफ रूट हेयर कॉजेज इट टू करल और लास्ट स्टेज देखिए एन इंफेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया इन टू द इनर कॉर्टेक्स ऑफ द रूट अब देखिए बैक्टीरिया कहां जा रहे हैं इनर कॉर्टेक्स किसके रूट के देन द बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इन टू द सेल अगर हम बात करें यह देखिए इन्फेक्शन हो रहा है यहां पर यहां पे क्या हो रहा है बैक्टीरिया इंफेक्ट कर दिए एक ये इंफेक्शन थ्रेड है यानी कि बैक्टीरिया ऐसे एंटर हो रहे हैं ये रास्ता है बैक्टीरिया के एंटर होने का लेकिन क्या बैक्टीरिया ऐसे एंटर करके इसी पार्ट में रहेंगे नहीं धीरे धीरे ये जो है बाहर जाके दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे इधर जाएंगे इस तरह से बैक्टीरिया थ्रेड से ये जो इंफेक्शन थ्रेड है इससे निकल निकल के अलग अलग सेल्स में जाएंगे और वो जिस सेल में जाएंगे उसको इनिशिएट करेंगे सेल डिवीजन के लिए जैसे इस सेल में चले गए तो ये सेल फास्ट डिवीजन करने लगेगा अगर मान लो एक छोटे से पार्ट में डिवीजन ज्यादा हो रहा है तो क्या वहां पे लंप बन जाएगा वहां नोड्यूल बन जाएगा यस वहां पे नोड्यूल बन जाएगा जिस पार्ट में ये बैक्टीरिया जाएंगे वहां पे सेल को बोलेंगे कि भाई तुम डिवाइड हो फास्ट डिवीजन होगा और वहां पे नोड्यूल बन जाएगा इसीलिए आपको लिगुमनस प्लांट में नोड्यूल देखने को मिलते हैं यहां ध्यान दीजिए द बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इंटू द सेल द बैक्टीरिया गेट्स मॉडिफाइड इन टू रॉड सेप्ड बैक्टीरियोइड्स बैक्टीरिया किस में चेंज हो गए बैक्टीरियोइड्स में और क्या करेंगे एंड कॉज इनर कॉर्टिकल एंड पेरीसाइकल टू डिवाइड और वो इनर कॉर्टिकल सेल को पेरिसाइकल को सिग्नल देंगे डिवाइड हो और जब वो डिवाइड होगा तो लंप बनेगा डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स लेड टू नोड्यूल फॉर्मेशन और आपको पता है प्लांट के एनेटमी में पढ़ा है आपने कॉर्टिकल सेल कौन से होते हैं कॉर्टेक्स के पेरिसाइकल के सेल कौन से होते हैं जो अंदर प्रेजेंट है वो डिवाइड करेंगे तो आपको नोड्यूल देखने को मिलेगा और प्लांट कैसा दिखेगा कुछ इस तरह का दिखेगा अगर इस चीज को आप देखना चाहो यहां पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको कुछ नोड्यूल इस तरह के मिलेंगे ये नोड्यूल इस तरह के क्यों मिलेंगे क्योंकि ये नोड्यूल किसने बनवाया कौन फॉर कौन फॉर्म करवाया है ये बैक्टीरिया इस तरह का नोड्यूल फॉर्म करवाया है कहां लिगुमिनस प्लांट के रूट में अब यहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह कैसे होता है इन सब के बारे में